नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। अगर आपको 2 BHK का 10,000 EMI पे मिल जाए तो कैसे रहेगा? 12 लाख में विथ रजिस्ट्रेशन के साथ में मिल जाए तो कैसे रहेगा? बहुत ही बढ़िया रहेगा ना, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे ही हमें कमेंट्स करते हैं कि 2 BHK में हमारा बजट नहीं है 24-25 लाख का, हमारा बजट है 10-12 लाख का आसपास का, तो मिल सकता है क्या? जी बिल्कुल मिल सकता है, वो भी नियर बाई स्टेशन दोस्तों, वॉकिंग डिस्टेंस में रहेगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा 600 स्क्वायर फीट का 2 BHK ब्यूटीफुल सा फ्लैट है दोस्तों। इस वाले फ्लैट को आप देख लीजिए, अगर आपका बजट कम है 10,000 का आसपास आप EMI दे सकते हो। नॉर्मली बिल्डिंग में क्या रहता है, आपको EMI जो चुकाना पड़ता है 1 RK के लिए आपको 9,000-10,000 का आसपास EMI चुकाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर आपको 2 BHK का ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा 9-10,000 का आसपास EMI निकल के आएगा। तो आप लोग को क्या करना है, पूरा वीडियो को देख लेना है, पूरा जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दे दूंगा दोस्तों। तो सबसे पहले आपको मिल जाएगा यहाँ पर लिविंग, लिविंग का साइज़ आप देख सकते हो, ये है दोस्तों आपका लिविंग। अगर इसकी मैं साइज़ की बात करूँ तो मैं आपको गिन के बता देता हूँ ताकि एक आपको आइडिया लग जाए। इसका जो बिल्टअप एरिया है वो है आपका 600 स्क्वायर फीट का 2 BHK का फ्लैट है दोस्तों। अगर इसके साइज़ की बात करूँ तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि ये अप्रोक्सी 16 फीट तो नहीं होगा, 15 फीट के आसपास रहेगा, क्योंकि टाइल्स कटिंग है दोनों तरफ। 16 फीट के आसपास ये आपका लंबाई में रहेगा आपका लिविंग, और ऐसे में आपको मिल जाएगा कितना, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 10 फीट 11 फीट के आसपास। तो ऐसे में आपको 11 फीट, ऐसे में आपको 16 फीट के आसपास मिल जाता है ये वाला आपका प्रॉपर लिविंग। और अगर मैं इसकी फेसिंग की बात करूँ तो ये है आपका नॉर्थ साउथ वाला फेसिंग रहेगा, ईस्ट वेस्ट वाला ये वाला नहीं है। इस तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको बड़ा सा आपको मिल जाता है, यहाँ पर एक विंडो मिल जाता है जो कि आपका बाहर का व्यू आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। इस तरफ अगर आप देखोगे तो एक और आपको यहाँ पर मिल जाएगा एक विंडो, जैसे कि आप देख सकते हो दोनों तरफ आपका फ्रंट पे भी मिल जाता है, इस वाले वॉल पे भी मिल जाता है, ताकि वेंटिलेशन कंटिन्यू बना रहे और उजाला भी आते रहेगा, क्योंकि अगर आप डोर क्लोज करते हो दोनों विंडो को ओपन करते हो तो काफ़ी उजाला यहाँ पर मिल जाता है आपका लिविंग में दोस्तों। एक बार आप बाहर का व्यू देख लीजिए, कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पर बाहर का व्यू मिलेगा, बिल्कुल ट्रैक को लग के ही है हमारा प्रॉपर्टी। और सामने जो आप हाईवे देख पा रहे हो ये है आपका नेवी मुंबई के लिए हाईवे, और ऊपर की तरफ अगर आप लोगे तो ऊपर आपको यहाँ पर माउंटेन व्यू वाला भी ऑप्शन अवेलेबल है। पास में जो हाईवे गुजर रहा है वो है आपका नेवी मुंबई के लिए हाईवे है, जो कि आप यहाँ से 1.25 घंटे के आसपास में आप नेवी मुंबई पहुँच जाओगे। अगर आप नेवी मुंबई के आसपास से देख रहे हो तो आप इस वाले प्रॉपर्टी को बाय कर सकते हो, आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अगर आप सेंट्रल लाइन से भी देख रहे हो तो भी ये वाला प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छा है दोस्तों, स्टेशन से आपका 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस में ये प्रॉपर्टी। आप कौन सा स्टेशन है वो भी हम इस वीडियो में बात करेंगे, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है वो सारी चीज़ बात करेंगे दोस्तों। अब इस तरफ आपको मिल जाता है एक आपको बाथरूम, ये है दोस्तों, ये है आपका बाथरूम। इसके अगर मैं साइज़ की बात करूँ तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 फीट का आसपास आपका लंबाई रहेगा, ऐसे में आपको 3.5 फीट यूज़ करने के लिए मिल जाएगा। इंडियन आपको यहाँ पर लगा कर दिए गए हैं, वॉल टू वॉल यहाँ पर आपको टाइल्स लगा कर मिल जाते हैं दोस्तों। बैक साइड में रहेगा आपका विंडो, फिटिंग वगैरह हम आपको पोजिशन के वक्त फिटिंग करके दे देंगे। इस तरफ अगर आप देखोगे तो इस तरफ आपको मिल जाएगा आपका किचन। काफ़ी सारे लोगों का ऐसे रिक्वायरमेंट रहते हैं कि किचन का बिल्कुल सामने नहीं रहना चाहिए टॉयलेट और बाथरूम, तो ये वाला कंसेप्ट इस वाले प्रोजेक्ट पर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि किचन आपका इस तरफ आ जाता है और जो बाथरूम है बिल्कुल आपका ठीक इस तरफ आ जाएगा। तो किचन आपका डिफरेंट जगह पर रहेगा, बाथरूम आपका डिफरेंट जगह पर रहेगा। इस तरफ आ जाइए तो इस तरफ मैं आपको किचन को दिखा देता हूँ। किचन में क्या अच्छा काम किया है, सबसे अच्छी काम मुझे ये लगा कि वॉल टू वॉल यहाँ पर आपको टाइल्स लगा कर दिए गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो बीम बॉटम लेवल तक आपको चारों तरफ यहाँ पर आपको टाइल्स लगा कर दे दिए गए हैं। अगर इसकी साइज़ की बात करो तो अप्रॉक्स ये कितना, 5 फीट 5.5 फीट के आसपास ऐसे में आपको यूज़ करने के लिए मिलेगा, ऐसे में आपको 6 फीट 4 इंच के आसपास यूज़ करने के लिए मिल जाएगा ये वाला आपका किचन। कॉर्नर पे अगर आपका फ्रिज आ जाता है तो आपको ऐसे एल शेप में आपको यूज़ करने के लिए मिलेगा जगह आपको। अगर आप चाहते हो फ्रिज आपको यहाँ पर नहीं रखना है, थोड़ा सा कंजेस्टेड अगर आपको लगेगा किचन में, तो आपका जो फ्रिज है वो आप लिविंग में भी शिफ्ट कर सकते हो, क्योंकि लिविंग आपका काफ़ी बड़ा है। इस तरफ अगर आप देखोगे तो ये है आपका ग्रीन मार्बल का ये प्लेटफॉर्म हो गया, स्टेनलेस स्टील का सिंक है, ग्राम पंचायत कनेक्शन, पीने का पानी आपको मिल जाएगा दोस्तों, वेंटिलेशन के लिए बड़ा सा विंडो, फाइनल कलर वगैरह अभी तक नहीं हुआ है दोस्तों, फाइनल कलर वगैरह करके आपको पोजीशन के वक्त दे दिया जाएगा। जिस कंडीशन में है वही कंडीशन में मैं आपको दिखा रहा हूँ। बाकी ऑलमोस्ट प्रोजेक्ट का जो काम है 98% तक काम हो चुका है, डोर वगैरह लग चुका है, स्लाइडिंग लग चुका है, एक बार कलर भी हो चुका है, तो फाइनल कलर वगैरह करके जो भी आपका CP फिटिंग बाकी है वो करके, और इलेक्ट्रिशियन का काम जो बाकी है बोर्ड वगैरह लगाने का वो काम अभी पेंडिंग है, बाकी ऑलमोस्ट काम हो चुका है। अगर आप ऊपर देखोगे तो ऊपर आपको वाटर टैंक के लिए यहाँ पर जगह दी गई, जो कि आप 500 लीटर का टैंक इजीली रख सकते हो, प्लस आपको इन्वर्टर वगैरह रखना है तो वो भी आप रख सकते हो, काफ़ी सारे स्पेस आपको मिल जाता है आपका किचन का ऊपर। इस तरफ अगर आप देखोगे तो इस तरफ आपको फर्स्ट नंबर वाला बेडरूम, इस तरफ एक और बेडरूम है, ये है आपका मास्टर वाला बेडरूम, इसे मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। इस तरफ का बेडरूम आप देख लीजिए,
ये है दोस्तों आपका शानदार सा फर्स्ट नंबर वाला बेडरूम, जैसे कि आप देख सकते हो। अगर इसके साइज़ की बात करूँ तो अप्रोक्स ये 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि 10 फीट 4 इंच के आसपास ऐसे में आपको मिल जाएगा 10 फीट के आसपास। तो ऐसे में 10 फीट के आसपास मिल जाएगा, ऐसे में आपको 10 फीट के आसपास मिल जाते हैं ये वाला फर्स्ट नंबर वाला बेडरूम। बेड लगाकर भी आपको वार्डरोब के लिए भी स्पेस यहाँ पर यूज़ करने के लिए मिलता है दोस्तों। इस तरफ अगर आप देखोगे तो इस तरफ आपको मिल जाता है 4x5 के आसपास विंडो मिल जाता है। एक बार मैं चाहूँगा आपको बाहर का व्यू दिखा देने के लिए, एक आपको आइडिया लग जाएगा। बिल्कुल रोड टेस्ट प्रॉपर्टी है दोस्तों, ऐसे प्रॉपर्टी आपको बार बार नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है, दिए गए नंबर पर कॉल करके विजिट के लिए प्लानिंग ज़रूर कर लेना। अब हम चलते हैं सेकेंड वाला बेडरूम की तरफ। इस तरफ है दोस्तों आपका सेकेंड वाला बेडरूम, ये रहा दोस्तों, ये है आपका सेकेंड वाला बेडरूम जो कि है आपका मास्टर बेडरूम है दोस्तों। और यहाँ का साइज़ आप देख सकते हो, उसका आपका डिफरेंट रहेगा और इसका आपका डिफरेंट रहेगा। अप्रॉक्स इसका जो लंबाई है 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी कि ये 12 फीट, ये आपका 12 फीट है, वो 10 फीट था, ये आपका 12 फीट लंबाई में। और ऐसे में थोड़ा कम मिलेगा 1, 2, 3 यानी कि 6 फीट 7 फीट के आसपास। तो ऐसे में आपको 7 फीट, ऐसे में आपको 12 फीट के आसपास मिल जाता है। और यहाँ पर आपको मिल जाता है बड़ा सा एक विंडो, जैसे कि आप देख सकते हो बैक साइड में भी हमारा काफ़ी सारे यूनिट्स अवेलेबल है। और ये वाला भी बिल्डिंग जो है इसमें भी आपको काफ़ी सारे यूनिट मिल जाता है। ऊपर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपको वाटर टैंक के लिए यहाँ पर जगह दिए गए हैं दोस्तों। और इसके अंदर आपको मिल जाता है एक और बाथरूम, ये रहा दोस्तों, ये है आपका बाथरूम जो कि सेम एज इट इज ही मिल जाएगा आपको। इंडियन वहाँ पर भी आपको इंडियन, यहाँ पर भी आपको इंडियन मिल जाता है। चाहो तो आप यहाँ पर वेस्टर्न भी सेट कर सकते हो, उसका आपको अलग से चार्जेस देना पड़ेगा क्योंकि इसे तोड़ना पड़ेगा और इसके बाद में आपका इंडियन बैठेगा। इसके अगर साइज़ की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 फीट ऐसे में है, ऐसे में आपको मिल जाएगा 3.5 फीट के आसपास। वॉल टू वॉल ब्यूटीफुल टाइल्स यहाँ पर आपको लगाकर दिए गए हैं। बैक साइड में आपका विंडो, अगेन आपको सीपी फिटिंग पोजीशन के वक्त दे दिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं एक एक करके प्राइस और लोकेशन के बारे में। सबसे पहले तो आप लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। जिनका बजट है 12 लाख के आसपास का एक 2 BHK फ्लैट के लिए, तो आपको यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आपको एफोर्डेबल प्राइस में मिल रहा है 2 BHK का फ्लैट दोस्तों। आप लोकेशन कहाँ पर है, ये जो लोकेशन है ना दोस्तों, ये है आपका शेलू रेलवे स्टेशन से 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ से अगर आप स्ट्रेट जाओगे ना दोस्तों, यहाँ से वॉकिंग पे भी आपका 5 मिनट रहेगा। ये स्ट्रेट अगर जाते हैं पटरी को लग के एक छोटा सा रास्ता है, यहाँ से वॉकिंग पे भी जाता है 5 मिनट। अदरवाइज अगर आप ये सड़कें देखोगे तो ये भी विलेज का वहाँ से निकलता है मार्केट से होते हुए। अगर आपको हाईवे की तरफ से जाना है तो इसे क्रॉस करके आपको हाईवे पर जाना पड़ेगा। गाड़ी से अगर आप जाते हो तो 2 मिनट पर आप इजिली रेलवे स्टेशन पहुँच जाएंगे, 1 से 2 मिनट पर, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं। आप शेलू काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता रहेगा, शेलू है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट तालुका कर्जत स्टेट महाराष्ट्र में, मुंबई से तकरीबन 2 घंटे का डिस्टेंस में आते हैं शेलू सिटी। प्राइस है इसका 12 लाख विथ रजिस्ट्रेशन के साथ में आपको मिल जाएगा। 90% आप बैंक लोन ले सकते हो, 1,20,000 के आसपास अगर आप डाउन पेमेंट देते हो तो भी चल जाएगा। EMI आपका 8 से 9 हज़ार आपको EMI पे करना पड़ेगा, इससे ज़्यादा आपको EMI पे नहीं करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मैं मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।